नमस्ते फ्रेंड्स, मुनमुन्स क्रिएटिविटी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमेज़ॉन का एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा सा प्रोडक्ट, जिसे अगर आप ख़रीदते हैं तो आप अपने लिविंग रूम को चार चांद लगा सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मुझे किस तरीके का रिसीव हुआ है। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ मुझे रिसीव हुआ है, कहीं से भी ये डैमेज नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये किस तरीके का एक फ्लोर लैम्प है, यहाँ पर जो एक पेज है उसके ऊपर सारा दिया हुआ है। अब इसको किस किस तरीके से मैं खोल रही हूँ आप वीडियो में अच्छे से देखते रहिए, ताकि अगर आप कल को इसको प्रोडक्ट को ख़रीदते हो और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नहीं आएगी। मैं यहाँ पर पूरा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ कि इसको किस तरीके से असेंबल करना है। तो यहाँ पर वन बाय वन सारी चीज़ें मैं खोल के अलग कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसका जो लैम्प शेड है वो अलग किया, और यहाँ पर ये तीन जो लकड़ी के पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं इसके, तो ये भी अलग कर दिया। एक छोटा है, एक बड़ा है और एक उससे छोटा है। तो इसको इस तरीके से हमें सेट करना है। इसके साथ हमें स्क्रू वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है, एक बल्ब मिलता है और इसके स्क्रू मिलते हैं, और स्क्रू को टाइट करने के लिए एक ड्राइवर मिलता है। तो अब हम इसको सेट करना स्टार्ट करती हूँ मैं। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला पीस है उसके ऊपर मैंने रखा, जो मिडिल वाला भाग है उसको रखा, और इसके जो चारों जो पेच हैं उनको उसी स्क्रू के जो दिया हुआ है उससे टाइट कर लूँगी। इसी तरीके से इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी चारों पेचों को टाइट करके इसे फिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा इस प्रोडक्ट को, मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये प्रोडक्ट। और अब इसका जो शेड है लैम्प शेड उसको मैं लगा रही हूँ। वहीं पर एक स्टिकर लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि इस होल्डर को खोलना है और लैम्प शेड को लगाना है। तो मैंने लैम्प को लगाने के लिए, शेड को लगाने के लिए होल्डर को खोला, उसके बाद शेड को लगा के अब उसे फिक्स कर दिया। उसके बाद मैं बल्ब लगा दूँगी और इसको भी लगा के रेडी कर लूँगी। उसके बाद अब यहाँ पर जो है ना प्लग जो है उसको मैं बोर्ड में लगा देती हूँ और आपको जला के दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो आपको इसमें लैम्प शेड के कई सारे कलर मिल जाएंगे, आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर वाइट शेड का मंगाया था और काफ़ी मुझे ये पसंद आया। अब मैं अपना जो लिविंग रूम का कॉर्नर है उसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पर इसका जो वायर था कुछ ज़्यादा लंबा था, उसको छोटा करने के लिए मैंने रबड़ बैंड से उसे बैंड छोटा करके रखा है, क्योंकि प्लग पॉइंट मेरा ऊपर साइड में ही था और तार लटक रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसके जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, जो टेबल हमें मिली है डेकोरेशन करने के लिए छोटा सा, यहाँ पर मैं अपना जो लास्ट वीडियो में आपके साथ पॉट शेयर की थी वो मैंने रखा, उसमें एक फेक प्लांट रखा है। और यहाँ पर मैंने ये स्टैचू रखा जो कि मैंने अमेज़ॉन से ही ख़रीदा है। और ये स्टिक्स, ये मैं अगरबत्ती की स्टिक यहाँ पर लगा रही हूँ, ये बहुत ही एक अरोमा का खुशबू देता है। तो इस तरीके से भी आप अपने घर को खुशबू करना चाहते हैं और ये कम बजट में बहुत ही अच्छा एक अरोमा का काम करता है। तो ये मेरा DIY पॉट है, मिट्टी का पॉट, तो उसमें मैंने वो अगरबत्ती लगा दी। फिर मैंने यहाँ पे नीचे जब देखा तो ये इतना कुछ सुंदर नहीं लग रहा था, तो इस पॉट को हटा के मैंने यहाँ पर ये पिंजड़ा रख दिया और पिंजड़े के अंदर एक फेक प्लांट रख दिया है, और इससे थोड़ी सी खूबसूरती अच्छी बढ़ गई। ये भी मैंने पिंजरा अमेज़ॉन से बहुत समय पहले लिया था। और यहाँ पर ये एक बुद्धा का स्टैचू रख दिया। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना जो कॉर्नर है इसको डेकोरेट किया। फिर भी मुझे कुछ खाली खाली लग रहा था, क्योंकि जब तक मैं कहीं पर भी ग्रीनरी ऐड नहीं करती हूँ वो जगह हमेशा मेरे लिए बहुत ही खाली लगता है। तो यहाँ पर मैं कुछ ग्रीनरी ऐड करूँगी और कुछ यहाँ पर अपना जो DIY ये जो कलश है इसको रख रही हूँ, और उसमें मैंने ये गन्ने के जो होते हैं ना, ये भी फेक है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से सजाया, तो देख लीजिए आप मेरा ये कॉर्नर। Thank you.
तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये डेकोरेशन भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय एंड टेक केयर।